हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स फंडा। आज हम कुछ और एनटीपीसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज के चौथे पार्ट में। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंपलीफाई x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 का होल क्यूब डिवाइड बाय x। हमें सिंपलीफाई करना है x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 का होल क्यूब डिवाइड बाय x। यहाँ से ये काट लेंगे तो हमारा कितना बचेगा x, x का हमारा होता है x क्यूब बन जाएगा ये डिवाइड बाय x। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा ये एक्स स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cot थीटा। साइन थीटा हमारा 2/3 है तो हमें sec थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। ये हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया तो 5, 5 हो जाएगा ये हमारा √5। sec थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है h/b, तो h कितना है यहाँ पर 3 और b कितना है यहाँ पर √5। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि √ हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं √5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3√5/5। और cot थीटा जो हमारा होगा ये हमारा होता है b/p, यहाँ पे बेस क्या है हमारा √5, परपेंडिकुलर हमारा 2 है, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 x³, x ब्रैकेट में x³ माइनस x² माइनस x व्हेन x इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को कॉमन निकाल लेते हैं। जब x को कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाहर x की पावर 4, अंदर बचेगा हमारा x² माइनस x माइनस 1। जब अब यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 को पुट कर देते हैं, 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1। 4 की पावर 4 हमारे कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, 4 4 16 हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई पर 16 में से 5 गए 11। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 256 0, और हो जाएगा 256। इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ गया 2816, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट 4-2 बी लोकेटेड। अब हमें बताना है कि ये जो पॉइंट हमारा 4-2 ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करेगा। तो हमें पता है हमारे क्वाड्रेंट कितने क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है क्योंकि यहाँ पर भी x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा माइनस प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 4 हमारा प्लस में, ये हमारा x होता है ये y होता है, तो 4 प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस कहाँ आ रहा है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड विड्थ 75 मीटर हैज अ वॉकिंग स्ट्रिप ऑफ विड्थ 3 मीटर इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड अलॉन्ग द लॉन्गर साइड। वॉट इज द एरिया ऑफ अ ग्राउंड विदाउट द वॉकिंग स्ट्रिप। हमारा ये क्वेश्चन बोला है एक रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है जिसका लेंथ हमारा कितना है 125 मीटर और जिसकी चौड़ाई कितनी है 75 मीटर। सपोज ये हमारा एक कोई रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है जिसकी लेंथ हमारी कितनी है 125 मीटर और विड्थ हमारी कितनी है 75 मीटर। हैज अ वॉकिंग स्ट्रिप ऑफ विड्थ 3 मीटर इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड अलॉन्ग द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड के पैरेलल में ही हमने क्या कर रखा है, एक वॉकिंग स्ट्रिप मतलब वॉक करने के लिए एक रोड बनाया है यहाँ पर कुछ इस तरह से, जो कि ये कितना चौड़ा हमारा ये 3 मीटर चौड़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ग्राउंड विदाउट द वॉकिंग स्ट्रिप। जब अगर ये वॉकिंग स्ट्रिप नहीं होती तो हमें बताना था एरिया ऑफ ग्राउंड क्या होगा। तो एरिया ऑफ ग्राउंड तो हमारा यही होगा, या तो एक ये होगा और एक ये होगा, हमें इन दोनों की एरिया निकालना है। तो इन दोनों का एरिया कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे पहले पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। पूरे का एरिया क्या होगा हमारा 125 इंटू
75, इसमें से माइनस कर देंगे हम वॉकिंग स्ट्रिप का। वॉकिंग स्ट्रिप का हमारा एरिया क्या होगा, ये भी रेक्टेंगल की शेप में ही है, एक साइड हो जाएगी 125 और एक साइड हो जाएगी 3, तो माइनस कर देंगे 125 इंटू 3, यहाँ से 125 कॉमन निकाल लेते हैं, 75 माइनस 3 आ गया हमारा 125 मल्टीप्लाई बाय 72। अब इसको या तो सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप यहाँ से देखोगे ये हमारा किसका आ रहा है, इसके अंदर एक फैक्टर आएगा 25 और इसके अंदर भी एक आ रहा है 4, ये 4 की टेबल से चला जाएगा, तो नंबर वही होगा जो कि 25 इंटू 4 हमारा कितना होता है 100, तो नंबर वही होगा जो कि 100 का मल्टीपल होगा, और आखिरी में 100 आ रहा है तो आखिरी में 2 जीरो तो आ रहे होंगे, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके आखिरी में 2 जीरो आ रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1184 टू मेक इट्स एग्जैक्टली डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 21। हम इनमें से कौन सा नंबर को माइनस करें, 1184 में से, जो कि वो नंबर हमारा पूरा पूरा 21 से डिवाइड हो जाए, जो कि रिमाइंडर फिर हमारा 0 आए। ऐसे क्वेश्चन हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जो हमारा नंबर दे रखा होता है और जिससे डिवाइड करना होता है, डिविजिबल करना होता है, उससे से हम सीधा डिवाइड कर देते हैं। इसमें आप 1184 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 की टेबल में 5 बार आएगा हमारा 105, यहाँ से बचेगा हमारा 13, 4 नीचे उतर गया, 21 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारा होता है 126, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 8, तो हम 8 ही को इसमें से माइनस करेंगे, जो कि सी ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू इफ रुपीज 12,500 इज इन्वेस्टेड फॉर द ईयर फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन, बताना है मैच्योरिटी वैल्यू का, अगर 12,500 को हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के भी 20% पे इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी 20% के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब हो गया ये हमारा अमाउंट ही होगा, कि अमाउंट में क्या डिफरेंस होगा, अमाउंट में वही डिफरेंस होगा जितना हमारा इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा मिलेगा, तो हमारे इंटरेस्ट किस में ज़्यादा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 20% पहले साल मिला, 20% दूसरे साल मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिलेगा, पहले साल 20%, इसके नीचे भी 20% और 20 का भी 20% मिलेगा, कितना मिला यहाँ पर, ये 4%, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ज़्यादा कितना मिला है 4%, और यही हमारा डिफरेंस होगा, तो 12,500 का हम 4% निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 इंटू 4 500, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यू परचेज 2 पीस ऑफ क्लोथ मेजरिंग 1.2 मीटर एंड 1.3 मीटर ईच एट ₹330 एंड ₹270 per meter रिस्पेक्टिवली एंड गेव ₹1,000 एट द पेमेंट काउंटर, हाउ मच कैश विल यू गेट बैक। हमने क्या करा है, 1.2 मीटर का एक कपड़ा खरीदा जो कि ₹330 के हिसाब से, और एक और खरीदा है 1.3 मीटर का कपड़ा जो कि ₹270 per meter के हिसाब से, और दुकानदार को कितने रुपए दे दिए, ₹1,000 पकड़ा दिए हैं, तो हमें बताना है कि दुकानदार हमें कितने रुपए वापस करेगा। तो वापस करने के लिए हमें पहले बिल पता होना चाहिए कितने का बिल बना हमारा, तो यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.2 मीटर का कपड़ा खरीदा ₹330 per meter के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना अमाउंट आएगा यहाँ से हमारा, 12 × 33, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 396, और ये होगा 1.3 × 270, यहाँ से होगा 13 × 27, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 731, तो आएगा 351, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 351 और 396 को 7, ये आएगा 4 और ये 7, ₹747 का बिल बना हमारा, ₹1,000 हमने पकड़ाए थे, ₹747 माइनस कर लेते हैं, ₹747 माइनस करेंगे, 1,000 में से 750 माइनस करते तो बचेगा 250 और ₹3 और तो हो गया 253, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्स कैन फिनिश 25% ऑफ अ वर्क इन अ डे, वाई कैन डू 12.5% ऑफ अ सेम वर्क इन अ डे, इन हाउ मेनी डेज, बोथ ऑफ देम
फिनिश द वर्क टुगेदर। एक्स ने कितना काम करा है, 25% काम करता है एक दिन में, और वाई जो है 12.5% काम करता है एक दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/8। चार ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क का मतलब एक काम रोज करता है, और यहाँ पर 8 में से एक काम वाई रोज करता है। क्या करते हैं हम, दोनों का टोटल वर्क सेम कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2/8। तो 8 में से वाई क्या, एक्स क्या करता है, दो काम रोज करता है और वाई एक काम रोज करता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 8, एक वाई करता है, 2 एक्स करता है, दोनों मिलाकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8/3 कितना आ जाएगा, ये काटेंगे 2.2 बचा तो 0 लग जाएगा, 26666 ऐसे चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं 2.67, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट है। थ्री कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज गेट वेजेस इन द रेशियो 1:2:3 इफ दे गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 5%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर वेजेस। तीन कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं जिनको वेजेस मिलती है किस रेशियो में, 1:2:3 में, और उनकी वेजेस इंक्रीमेंट हो जाती है, पहले वालों की 5% हो जाती है, दूसरे वालों की 10% हो जाती है, तीसरे वालों की 15% हो जाती है। तो हमें बताना है उनकी जो नई वेजेस आएगा उनका क्या रेशियो होगा। तो पहले हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 100 × 200 × 300। पहला 5% बट रहा है, 100 का 5% 5, तो इसकी वेजेस हो गई 105। दूसरा 200 का 10% बढ़ रहा है, 200 का 10% 20, तो इसकी वेजेस हो जाएगी 220। 300 का 15% हमारा होगा 45, तो इसकी हो जाएगी 345। यहाँ से काट लेते हैं 5 के टेबल से तीनों को, ये हो गया 21, ये हो गया 4 आगे बचेगा, ये भी 4, ये होगा हमारा 6, 4 आगे गया 9। तो हमारा रेशियो कितना होगा, 21:44:69। जी इज ट्वाइस एज फास्ट एज एस इन डूइंग वर्क, इफ जी कैन डू अ वर्क इन 30 days लेस देन एस, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कम्प्लीट द वर्क टूगेदर। जी जो है वो दुगना काम करता है हमारे एस से, मतलब अगर एस एक काम कर रहा है तो जी दो काम कर रहा होगा, ये हमारी इसकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। और जी जो है वो 30 दिन कम भी लेता है एस से पूरा काम करने में, तो हमें बताना दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो जो हमारा टाइम का जो रेशियो होता है ना, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एफिशिएंसी के रेशियो से, मतलब जो जितना ज़्यादा काम करेगा वो उतना जल्दी काम ख़त्म भी कर देगा। तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो होगा इनका, वो इनका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2, और इन्हीं का जो डिफरेंस होगा वही है हमारा 30 days है, जो कि 30 दिन कम लेता है जी। तो एक की रेशियो, एक का मतलब 30, दो का रेशियो मतलब 60 दिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ए जो है, जी जो है पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और कितना काम करता है एक दिन में, 2। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क भी निकल जाएगा, कितना आ गया, 60 ही आ गया। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ए करता था, ये करता था 2 और ये करता था 1, तो दोनों मिलकर कितना काम करे एक दिन में, 3, तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा हमारा 20 days। करंट परचेज अ 1 dozen पेन्स फॉर रुपीज 120 एंड सोल्ड अ पैक ऑफ 3 पेन्स फॉर रुपीज 35 ईच, व्हाट इज हिज गेन। करण जो है 1 dozen पेन लेता है, हमें पता है 1 dozen पेन कितने होते हैं, 1 dozen में 12 पेन होंगे, कितने का खरीदता है, 120 रुपये का। अगर एक पेन की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 10 रुपये। और तीन पेन का पैकेट बेचता है वो, एक पैकेट कितने का बेचता है, 35 रुपये का। देखो तीन पेन का पैकेट बेच रहा है, उसके पास कितने पेन थे टोटल, 12, तो 4 पैकेट बनेंगे, तो एक पैकेट कितने का, 35 रुपये का, 4 पैकेट कितने का बेचेगा ये, 140 के। और टोटल पेन की वैल्यू कितनी थी इसकी, 120 का ये कॉस्ट प्राइस था और ये इसका ये सेलिंग प्राइस था, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 140 में से 120 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 20, ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट बताना हमें, कितना परसेंट उसने गेन करा है, तो 20/120 × 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल में ये 6, ये हो गया 100/6, ये होता हमारा 50/3, जो कि कितना होता है 16.67%, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए
माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू व्हाट? अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab ए गिवन है, ये दोनों कट गए, तो हमारा आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसा ही और वीडियो के साथ और क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली नई वीडियो में। थैंक यू।